हेलो बच्चों, तो एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट सम। इन दिस सम कह रहा है कि एक पर्सन है और ये चर्च के बाहर है और बाहर से चर्च को ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब चर्च को नहीं, चर्च के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर देख रहा है तो वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब दिमाग चलाना चालू करो आप लोग। अब क्या देख रहा है वो छोड़ दो, लेकिन चर्च के टॉप को देख रहा है, वो क्या बनाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। ओके, दिस इज गिवन टू अस। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री का एलिवेशन है। हमें फाइंड करना है कि क्या हाइट होगा चर्च का। तो इतना तो आप जानते हैं हम लोग। ये मान लिया जाए ये ए बी है और यही हाइट है चर्च का जिसे हमें फाइंड करना है। ये चर्च का फुट होगा और इस फुट से ऐसा मान लेते हैं, पॉइंट सी से ये पर्सन चर्च के टॉप को ऑब्जर्व करने वाले, ठीक है, पॉइंट सी से। अब ये कितनी दूरी पर है ये दिया नहीं है, मतलब बी से ये कितनी दूरी पर है ये कुछ भी दिया नहीं है। बस इतना बोला है कि सी से जब चर्च के टॉप को ये पर्सन देखेगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो होगा 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री, बस इतना हमें गिवन है। अच्छा, चर्च हो, कोई टावर हो, कोई पोल हो, ये सब ग्राउंड को होता है 90 डिग्री, तो इसको मार्क कर देंगे 90 डिग्री, करेक्ट है। अब अगर हम ज्योमेट्री के मेथड से इसे सॉल्व करें, अगर ट्री को अप्लाई नहीं करूं मैं, तो थोड़ा हमें सोचेंगे। देखो, ये 90 डिग्री ट्रायंगल में, ये 45 डिग्री ट्रायंगल में, तो ये रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा, वो भी 45 हो जाएगा। अब 45 90 का ट्रायंगल है, मतलब ये एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जितना होगा ए बी उतना ही होगा बी सी। ये मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ, बराबर। वैसे इसका भी काम नहीं है, अभी हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर जाएंगे। तो फिर से ये सम का जो पिक्चर है, क्या ये पिक्चर समझ में आया आपको? अगर ये पिक्चर समझ गया तो आप ये सम को सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा रेशियो ले लें? देखो मुझे बच्चों, फाइंड क्या करना है, फाइंड मुझे करना है किसको, ए बी को। फाइंड मुझे क्या करना है, ए बी को। तो इसमें हाइपोटेनियस से नॉर्मली हमें कोई मतलब नहीं होता है। जब हम एप्लीकेशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ना, तो हाइपोटेनियस से नॉर्मली हमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो मैं एक ऐसे रेशियो को ढूंढता हूँ जो ऑपोजिट और एडजेसेंट कोऑर्डिनेट करता है, और वो रेशियो कोई और नहीं है, वो है टैन टीटा। और टैन टीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, करेक्ट है। तो ये तो हमने अपने नॉलेज के लिए लिख के रख लिया। अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कहेंगे सबसे पहले, लेट ए बी रिप्रेजेंट द चर्च, बराबर। ए बी जो है पूरा चर्च है, उसी का हाइट फाइंड करना है, और लिख दो ए बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, वो चीज फाइंड करना है। और दूसरा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू 45 डिग्री। देयरफॉर टैन थीटा या फिर टैन 45 क्या हो जाएगा, tan 45 क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड कौन है उसके, ए बी। ये ए बी है उसके ऑपोजिट, और एडजेसेंट कौन है उसके, बी सी। अब मुझे ये बताओ, tan 45 होता क्या है, tan 45 होता है क्या, 1, वी ऑल नो दिस। तो ये ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, ओके। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है कि भाई ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, ये कितना मीटर था, 80 मीटर था, कितना था, 80 मीटर, दिस वॉज 80 मीटर। तो काम करते हैं, बी सी जो है, बी सी 80 मीटर है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी और बी सी इक्वल है, बी सी 80 मीटर, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी 80 मीटर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, therefore the height of church is 80 meter, ठीक है। अब कई बार बोलते हैं भाई ये लोग बड़े बड़े टावर्स का हाइट कैसे फाइंड करते हैं, बराबर। तो बड़े बड़े टावर्स का हाइट फाइंड करने के लिए टावर पे चढ़ के फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो वैसे भी होता है। एक दूसरा तरीका है, इजी तरीका है, मैं जिस टावर का हाइट फाइंड करना चाहता हूँ, मैं उस टावर से उतनी दूर चले जाऊँ,
इतनी दूर चले जाऊं कि जब मैं उसको देखूं, ऑब्जर्व करूं, तो लाइन ऑफ विजन से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। समझे बात को? जिस टावर का मुझे हाइट फाइंड करना है, किसी पहाड़ का मुझे हाइट फाइंड करना है, तो मैं उससे इतनी दूर चले जाऊं कि वहां से जब मैं उसे ऑब्जर्व करूं, उसके टॉप को ऑब्जर्व करूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बने, 45 डिग्री बने। तो मैं उसके फुट से वो डिस्टेंस नाप लूंगा जितनी दूरी पर मैं खड़ा हूं, तो जितना डिस्टेंस उसके फुट से वो डिस्टेंस नाप लूंगा जितने दूर मैं खड़ा हूं, तो उतना ही डिस्टेंस होगा किसका, उतना ही हाइट होगा उस टावर का, उतना ही हाइट होगा उस बिल्डिंग का, उतना ही हाइट होगा उस पहाड़ का। समझ में? तो जब भी 45 वाला आया, 45 वाला कभी भी आए, अगर 45 डिग्री है तो वहां पर एकदम क्लियरली चीज जान लो, 45 है तो टैन 45 को अप्लाई करना है, और जितना दूर आप उसके बेस से हो, उतने ही उस टावर का, उस पोल का क्या होगा, हाइट वाइट वगैरह होगा। ठीक है, तो एकदम क्लियर कर लो। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर टू। अब यहां पर एक लाइट हाउस है और उस लाइट हाउस के टॉप पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। तो लाइट हाउस के टॉप पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वहां से ये ऑब्जर्वर एक शिप को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अभी इमेजिन करो एक चीज को, ऑब्जर्वर क्या शिप को आसमान में ऑब्जर्व करेगा या पानी के अंदर? बराबर, तो नॉर्मल सी बात है, वो पानी के अंदर होगा। और वो ऑब्जर्वर कहाँ पर है? टॉप पर है, हमारा जो लाइट हाउस है उसके टॉप पर है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होगा, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने वाला है। तो वहाँ से जब एक 90 मीटर का लाइट हाउस का हाइट है, उस 90 मीटर से वो एक शिप को ऑब्जर्व कर रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है वो जो शिप है वो लाइट हाउस से कितनी दूरी पर है। बराबर, तो डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लाइट हाउस। बराबर, कभी भी ये डिस्टेंस फाइन करते ना, तो जहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है वहाँ से नहीं, अगर ऑब्जर्वर से पूछता तो ऑब्जर्वर से फाइन करते हैं ऑब्जर्वर से कितनी दूर पर है, लेकिन अगर लाइट हाउस से पूछा है तो उसका बॉटम से, उसके बॉटम से डिस्टेंस फाइन करो। बराबर, तो यहाँ पर उसको ड्रॉ कर लेते हैं वो आइडिया को। तो कुछ ऐसा है, ये टॉप ऑफ द लाइट हाउस है, ठीक है, यहां से मान लेते हैं लाइट हाउस से एक थोड़ी दूर पर एक शिप खड़ा है। ऐसा कंसिडर कर लिया जाए कि ए बी जो है वो हाइट ऑफ लाइट हाउस है, जिसका हाइट है 90 मीटर, ये गिवन है, और ये पॉइंट ए से ऑब्जर्वर है पॉइंट ए पर, पॉइंट सी पर शिप है, ऑब्जर्वर शिप को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर शिप को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। अब गलती से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको मत ले लेना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ विजन, ऑब्जर्वर जहां पर है उसका लाइन ऑफ विजन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एंड जिस लाइन पर ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा। कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ता है, जब भी सम में आएगा क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दिस इज एक्चुअल लाइन ऑफ विजन। बराबर, ऑब्जर्वर यहां खड़ा है तो क्या बोलते हैं, उसकी आंख से एक पैरेलल लाइन जाएगा ग्राउंड को, तो ये जो है ये एक्चुअल लाइन ऑफ विजन है, और ये है लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो लाइन ऑफ विजन और लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में होता है क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये नहीं होगा, इसको मैं हटा देता हूं, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, ये बात याद रखो। और आगे एक और चीज याद रखो, देखो बच्चों, ये जो है इसे मैं नाम ए डी दे दूं अगर, तो ये ए डी और ये बी सी, ए डी और बी सी जो होगा वो क्या होगा, ये पैरेलल होगा, ये ग्राउंड का रेफरेंस है, ग्राउंड का रेफरेंस, और ये आँख का जो लाइन ऑफ विजन है ये ग्राउंड को एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, तो ये हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये पैरेलल, और ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों कौन से एंगल्स हो गए, ये दोनों हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ये भी 60 डिग्री, यानी पॉइंट सी से अगर कोई टावर के टॉप को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा। तो जब डिप्रेशन एंगल दिया है और एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना होता है, तो कभी भी एक हॉरिजॉन्टल बना लो, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आपका लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन एक ट्रांसवर्सल बन जाएगा,
और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम डिज़ाइन। टावर जो है ग्राउंड को हमेशा 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होगा, तो हम ये मान लेंगे कि लेट ए बी रिप्रेजेंट, ए बी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट हाउस को, और ए बी कितना है, तो ए बी है 90 मीटर, ये गिवन है। दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, कौन है, एंगल डी ए सी कितना है, 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है, गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन डी ए सी, ये 60 डिग्री है। थर्ड बट ए डी इज पैरेलल बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल डी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, रीजन होगा ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर सी कौन है, पोजिशन ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बी सी, डिस्टेंस बी सी कितना है, ये कितना है, कितना दूर है लाइट हाउस से, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया सम्स का, अब हम जाके अप्लाई करते हैं। तो जो आपको अप्लाई करना है ना बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ ये ट्रायंगल में अप्लाई करना है। देखो ये ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी और सी, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 है, ये वाला साइड दिया है और ये वाला साइड फाइंड करना है। तो हमें एक ऐसे रेशियो के बारे में सोचना है जो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के बीच में रिलेशन दे दे। तो ये कोई और नहीं है, ये टैन होता है, टैन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो हम अप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट होगा भाई टैन 60 डिग्री क्या होगा, इसमें जब टैन 60 में अप्लाई करूंगा टैन 60, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, टैन 60 विल बी ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पूरा पहले पॉइंट में आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट में। देयरफॉर टैन 60 का वैल्यू क्या होता है, रूट थ्री। ए बी कितना है, ए बी है 90 और बी सी क्या करना है, हमें फाइंड करना है। अब ये BC को यहाँ ले लेता हूँ, रूट थ्री को नीचे ले लेता हूँ, देयरफॉर BC इक्वल्स टू 90 अपॉन रूट थ्री, ठीक है। अब इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है, क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, तो ये रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, तो ये हो गया 90 रूट थ्री अपॉन थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो गया, और ये ऊपर वाला 90 रूट थ्री हो गया, ये कैंसिल किया आपने तो कितना आ गया 30, दैट इज 30 रूट थ्री मीटर। तो 30 रूट थ्री मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 30 रूट थ्री, और वहां पर 30 इंटू 1.73 जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका एक आंसर आएगा जिसमें आएगा मीटर में, ठीक है। तो ये अब आपके लिए है फाइंड करने के लिए, बस दिस वैल्यू यू नीड टू फाइंड, ठीक है। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सम, एंटायर सम। सम का तो बस ये पार्ट है, बाकी तो पूरा अजम्पशन है। और डायग्राम जो सम्स के हैं, ये सम्स के जो डायग्राम्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कभी भी आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो सबसे पहले आप डायग्राम्स को बना लो, जस्ट प्रैक्टिस विद द डायग्राम्स। डायग्राम्स प्रैक्टिस करने के बाद वो काम जो है बहुत छोटा होता है। देखो आपको प्रैक्टिस में ये सब तो लिखना नहीं है, यू डोंट नीड टू राइट ऑल दिस, यू जस्ट नीड टू अप्लाई दिस। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो टाइम पर इसका काम बहुत छोटा हो जाता है और बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। वेलकम बैक। सो क्वेश्चन नंबर थ्री, इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बेटा दो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। तो एक छोटी बिल्डिंग है और एक बड़ी बिल्डिंग है। अब छोटी बिल्डिंग के टॉप पर एक बच्चा है, वो छोटी बिल्डिंग के टॉप से जब बड़ी बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। छोटी बिल्डिंग के टॉप से जब वो बड़ी बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। अब कह रहा है भाई कि ये दोनों बिल्डिंग जो है रोड के अगल बगल है, ऑपोजिट टू द रोड, एक रोड के इस बगल है तो एक रोड के उस बगल है, दूसरे बगल एकदम ऑपोजिट,
और एकदम पैरेलल है एक दूसरे को, दैट हैज़ टू बी, दोनों परपेंडिकुलर होंगे ग्राउंड को तो पैरेलल हो जाएंगे। अच्छा, हाइट ऑफ छोटा बिल्डिंग इज 10 मीटर और दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस यानी विथ ऑफ द रोड, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस यानी कि विथ ऑफ द रोड इज 12 मीटर, ये सब दिया है हमें। फाइंड ये करना है कि बड़े वाले बिल्डिंग का हाइट क्या है, वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द बिगर बिल्डिंग। तो बच्चों इसको बना लेते हैं पहले हम लोग, ऐसे मान लेते हैं ये है ए बी, ये है 10 मीटर एंड दिस इज हाइट ऑफ द स्मॉलर बिल्डिंग और इट रिप्रेजेंट्स द स्मॉलर बिल्डिंग। ये है बी सी और ये जो बी सी है ये कुल है हाउ मच 12 मीटर, विथ ऑफ द रोड, रोड का विथ है 12 मीटर। पॉइंट सी पर है हमारा ऊंचा वाला बिल्डिंग, ठीक है, ये पॉइंट में डी मान लेता हूं ऐसे, ओके। अब कहना ये है कि टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग से हम टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग को जब एक बॉय देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन जा रहा है। तो ये लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां से जब पर्सन देखेगा ना तो यहां पर भी तो एक लाइन ऑफ विजन होगा, लाइन ऑफ विजन, तो वो लाइन ऑफ विजन बनाना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा वो लाइन ऑफ विजन, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो लाइन ऑफ विजन और लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का एंगल होता है, बराबर है। तो ये मैं नाम देता ए एम, तो ए एम हमने एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि करना पड़ेगा क्योंकि हमें ड्रॉ करना है क्या, लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ एक्चुअल विजन, ये लाइन ऑफ विजन होगा और ये लाइन ऑफ एक्चुअल विजन यानी लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन ये होगा और इनके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ये गिवन है, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। अच्छा, ये टावर है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी टावर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये जो लाइन ऑफ विजन होगा ना ये हमेशा ग्राउंड को पैरेलल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में 3 एंगल्स परपेंडिकुलर हो तो रिमेनिंग एंगल भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो बच्चों ए बी सी और एम में ये 10 है, ये 12 है और सब एंगल 90 है, तो भाई ये क्या है, एक ट्रायंगल है। तो जितना होगा ए एम उतनी हो जाएगा एम सी, ठीक है, जितना होगा ए बी सॉरी जितना होगा ए बी उतना ही होगा एम सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, और जितना होगा बी सी उतना ही होगा ए एम। तो बी सी अगर 12 है तो ए एम भी 12 है, अरे बच्चों समझ में आ रहा है, हमें फाइंड करना है साइड ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग दैट इज सी डी, तो सी डी जो होगा वो होगा सी एम प्लस डी एम, यानी अब जो वैल्यू सिर्फ निकालना है वो डी एम का निकालना है, वी जस्ट नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ डी एम। तो ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ स्मॉलर बिल्डिंग, और ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, सिमिलरली सी डी इज हाइट ऑफ बिगर बिल्डिंग और इसके हिसाब से सी डी हमें फाइंड करना है, सी डी वी नीड टू फाइंड, ठीक है। डी ए एम इज इक्वल टू 60 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, करेक्ट है। क्वाड्रिलैटरल ए बी सी एम इज अ रेक्टेंगल, बराबर, ए बी सी एम इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर ए एम सॉरी ए बी विल बी इक्वल टू एम सी विल बी इक्वल टू 10 मीटर एंड बी सी विल बी इक्वल टू ए एम विल बी इक्वल टू 12 मीटर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, करेक्ट है बच्चों। तो अब आ जाए सिर्फ हम लोग इस ट्रायंगल में, चलते हैं इस ट्रायंगल में जिसका नाम है डी एम ए और ये है 60 डिग्री। तो बच्चों यहां पर ए एम है हमारे पास, ये 12 है और ये हमें फाइंड करना है डी एम, तो ऑपोजिट वी नीड टू फाइंड एन एडजेसेंट वी हैव,
ये 90 है तो ये भी 90 होगा बच्चों, ये भी 90 होगा। तो इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग tan 60 डिग्री ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि DM अपॉन AM बाय डेफिनेशन tan 60 होता है रूट थ्री, तो रूट थ्री इक्वल्स टू DM अपॉन AM 12 है, तो DM कितना हो गया बच्चों 12 रूट थ्री मीटर, ये कौन हो गया DM। तो ये जो होगा आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, इसमें सारा डिस्क्रिप्शन आ गया। ये आपका सेकेंड पॉइंट होगा जिसमें आपने वो रेशियो को यूज किया जिसकी वजह से आपने DM को फाइंड कर लिया। और इसमें थर्ड जो होगा एंड पॉइंट होगा आपका CD, जो पूरा CD है बाय ज्योमेट्री इट इज CM प्लस DM, रीजन है सी डैश एम डैश डी, पॉइंट सी पॉइंट एम पॉइंट डी तीनों एक लाइन में है, तो उसके हिसाब से सी डैश एम डैश डी डैश सी डी हो जाएगा सी एम प्लस डी एम। सी एम जो हमारे पास है, सी एम कितना है, सी एम 10 है। देखो यहाँ पर सी एम जो है, एम सी बोले या सी एम बोले, वो 10 है, और डी एम जो है वो 12 रूट थ्री, ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा सी डी का। सो हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग Height of the second building is 10 plus 12 root 3 meters. This is end of our third sum. Hello, bachcho, question number 4. तो question number 4 के लिए आप अपना textbook refer कर सकते हैं। मैं आपको question समझा देता हूँ। इसके अंदर इस बार दो poles हैं। एक जो pole है वो छोटा pole है, उसका height 7 meter है, और दूसरा जो pole है वो CD है, वो बड़ा pole है, उसका height है 18 meter. अब ये दोनों पोल से ना, ये दोनों पोल से, पोल के टॉप से ना एक वायर को बांधा गया है, तो एसी रिप्रेजेंट्स दैट वायर सच दैट देयर आर नो स्लैक्स, एकदम टाइटली बांधा गया है, ठीक है, आपको एकदम स्ट्रेट दिख रहा है ना, तो एकदम स्ट्रेट बांधा गया है, उसमें कोई स्लैक्स नहीं है, ऐसे उसको बांध के रखा गया है, ओके। और उसका लेंथ है 22 मीटर, उस वायर का लेंथ है 22 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है कि भाई ये जो वायर है ना, ये वायर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। अब यहां पर जो हॉरिजॉन्टल है वो दिया नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा, बराबर बच्चों। तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन को जब कोई पर्सन, जब कोई ऑब्जर्वर नहीं होता ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये सब कोई कंसेप्ट आता नहीं है। जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं है तब तक एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होगा, तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन का कंसेप्ट नहीं है। हमें फाइंड करना है भाई ये वायर जो है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, यानी ये टीटा का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अब ए बी जो है वो ग्राउंड को पोल है तो ग्राउंड को परपेंडिकुलर, सी डी भी पोल है तो वो भी ग्राउंड को परपेंडिकुलर होगा। अच्छा ये जो है ये ए एम ले लूँ अगर, तो ए एम पैरेलल होता है बी डी को, हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज पैरेलल टू द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज पैरेलल टू द ग्राउंड, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये 90 तो ये भी 90 होगा, समझ में आ रहा है। तो रिमेनिंग एंगल से ये पूरा क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। तो लेट ए बी रिप्रेजेंट पोल ऑफ हाइट 7 मीटर, सी डी रिप्रेजेंट पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, ठीक है, फिर ए सी इज लेंथ ऑफ वायर एंड ए सी इज हाउ मच, ए सी इज 22 मीटर, ठीक है, एंगल सी ए एम इज इक्वल टू टीटा एंड दैट इज द एंगल विच वी नीड टू फाइंड, एंगल बिटवीन द वायर एंड द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये चीज है। और नेक्स्ट क्वाड्रिलैटरल ए बी डी एम इज अ रेक्टेंगल, तो ये लेट क्वाड्रिलैटरल ए सी बी डी इज अ रेक्टेंगल, बराबर, वो सब 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब उसके हिसाब से ये सॉल्यूशन में ये हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ले लेते हैं, देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू एम डी, बराबर, ए बी विल बी इक्वल टू एम डी विल बी इक्वल टू 7 मीटर, जितना ए बी होगा उतना ही एम डी होगा, ठीक है। देयरफॉर ये जो हमारा पूरा सी डी है, ये एंटायर जो सी डी है बच्चों, वो सी डी क्या है,
सी डी है सी एम प्लस एम डी, रीजन क्या होगा सी डैश एम डैश डी, करेक्ट है। देयरफॉर सी डी इक्वल्स टू सी एम कितना है वो हमें फाइंड करना है, सी एम रहने देते हैं, और सी डी कितना है पूरा सी डी है 18 और एम डी कितना है 7 है। तो अगर मैंने सी बराबर 18 में से 7 निकाल दिया तो कितना बचेगा सी एम, तो सी एम हो गया 11 मीटर बराबर। तो ये वैल्यू कितना हो गया बच्चों, सी एम का वैल्यू हो जाएगा 11 मीटर। अब मैं उस चीज़ को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब सेकेंड पॉइंट में हम ऐसे ट्राइंगल में जाएंगे जहाँ पर ये है सी, ये है एम और ये है ए, एंड दिस इज टीटा, दिस इज 22 मीटर एंड दिस इज 11 मीटर बराबर है। अब एक ऐसे रेशियो के बारे में सोचना पड़ेगा जो रेशियो हाइपोटेनियस और ऑपोजिट, देखो टीटा का कौन है ये टीटा का ऑपोजिट साइड है और ये टीटा का हाइपोटेनियस साइड है। तो एक ऐसा रेशियो जो ऑपोजिट और हाइपोटेनियस को रिलेट करता हो, इंक्लूड करता हो बराबर। तो ये और कोई नहीं है हमारा साइन टीटा है, साइन टीटा इज ऑलवेज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, देयरफॉर साइन टीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट कौन है यहाँ पर सी एम है और हाइपोटेनियस कौन है ए सी है, देयरफॉर साइन टीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन 22, देयरफॉर साइन टीटा इज इक्वल टू हाफ बच्चों बराबर है। तो साइन टीटा इज इक्वल टू बेटा हाफ, टेबल के अंदर साइन का कौन सा वैल्यू है, हाफ जो है ना हाफ, ये टेबल के अंदर साइन का कौन सा वैल्यू है, तो ये और कोई नहीं ये है साइन 30, बिकॉज साइन 30 जो है ना वही होता है हाफ, साइन 30 क्या होता है हाफ होता है। तो यहाँ से साइन साइन ड्रॉप हो जाएंगे, कट मत करना कभी भी, कैंसिल मत करना, ड्रॉप हो जाएंगे और आपका जो टीटा है वो है 30 डिग्री बराबर। तो आंसर लिख लोगे आप लोग, आंसर में क्या लिखोगे, द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री, द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज नथिंग बट 30 डिग्री ओके। सो दिस वॉज योर सम।